नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 16 सितंबर रविवार। ये दूसरा वीडियो है देवी इंदिरा अम्मा के ऊपर। पहले वीडियो इसी के ऊपर था, उसमें मोरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर था। इस वीडियो में मैं देवी इंदिरा अम्मा और अटल बिहारी वाजपेयी उसके बारे में बात करूंगा, और इस वीडियो का मैं पर्पज़ भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर्पज़ सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, ये पर्पज़ ये नहीं है देवी इंदिरा अम्मा के गुणगान गाना या वाजपेयी की बुराई करना, ये पर्पज़ ये मुझे एक्सप्लेन करना है कि देश की सेना सुधारनी हो तो ये कितना मुश्किल काम है। मतलब कि देश की सेना सुधार करने का कोई प्रयत्न यदि कोई प्रधानमंत्री करता है या कोई बड़े अफसर करते हैं तो उनकी हत्या हो सकती है, हुई है। और ये मानना कि एक अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, एक अच्छे आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे और उससे पूरी सेना सुधर जाएगी, ये बहुत गलत धारणा है। क्योंकि सेना को सुधारने के जब प्रयत्न होते हैं तो विदेशी ताकतें बड़े पैमाने पे अस्थिरता खड़ी करने का प्रयत्न करते हैं, बड़े पैमाने पे हत्याएं करने का प्रयत्न करते हैं। तो किस तरह से सेना सुधार सकते हैं, ये मानना कि एक नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार या मायावती को एक अच्छे आदमी पीएम बन जाएंगे और पूरे देश की सेना सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मैं स्टेप वाइज जाता हूं। सबसे पहले देवी इंदिरा अम्मा ने जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, इतनी हिम्मत भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बताई। लाल बहादुर शास्त्री इतनी हिम्मत बता सकते थे, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर उन्हें समय नहीं मिला। पर पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बताई। और तुरंत उसके बाद अमेरिका ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी कि उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा को गिराने के लिए भारत के जो उस समय के प्रेस थे, पेड इंडियन एक्सप्रेस, और पेड इंडियन एक्सप्रेस उस समय बहुत बड़ा प्रेस था, जनसत्ता यूं समझो कि पूरे इंडिया का 20-25 रीजनल मार्केट भी उसके हाथ में था, हिंदी गुजराती रीजनल, उसको बड़े पैमाने में पैसा देना शुरू किया कि भाई हर एक चीज़ कुछ भी होती है तो गाली इंदिरा गांधी को दो, कि कहीं कांस्टेबल ने किसी को चाटा मारा, गलती इंदिरा गांधी की, किसी मिनिस्टर ने रिश्वतखोरी की, गलती इंदिरा गांधी की। तो इस तरह से पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जहर फैलाना शुरू किया और बड़े पैमाने पे न्यायाधीशों को इन्फ्लुएंस किया गया। तो जहां भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता था वहां स्टे ऑर्डर आ जाता था। इसलिए फिर इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई कमिटेड जुडिशियरी, कि भाई हमें ऐसे जज चाहिए कि जो छोटे छोटे बात पे स्टे ऑर्डर ना दे। आप गूगल करना इंदिरा गांधी कमिटेड जुडिशियरी, तो बहुत सारे आर्टिकल आएंगे कि उन्होंने जुडिशियरी में ऐसे जज जो कि बीच में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते थे उनको दूर करने का प्रयत्न किया। और इसी में CIA ने वकीलों के द्वारा जगमोहन सिन्हा को इन्फ्लुएंस किया और एक बिल्कुल यूं कहो कि गलती तो इंदिरा गांधी की थी नहीं, इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की गलती थी। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की गलती ये थी कि उन्होंने रिजाइन करने के बाद वो इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल एजेंट बने, इलेक्शन एजेंट बने। उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन्होंने सारी फैसिलिटी सरकार को वापस कर दी। सेक्रेटरी का नाम था यश पॉल और वो इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट बने और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया था, उसके बाद वो इलेक्शन एजेंट बने। टेक्निकल गलती उनसे ये हो गई कि जो अफसर था उसने, पर्सनल डिपार्टमेंट का अफसर था, उसने वर्बली एक्सेप्ट कर लिया रेजिग्नेशन, लेकिन जो पर्सनल डिपार्टमेंट का आदमी था उससे रेजिग्नेशन का रिटर्न एक्सेप्टेंस निकालने में थोड़ी देरी हो गई और वो देरी के दौरान उन्होंने इलेक्शन एजेंट का फॉर्म भर दिया। तो जज ने इस बात का एडवांटेज ले लिया कि भाई आपका वर्बली एक्सेप्ट हो गया था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये नियम है कि वर्बल ऑर्डर इज ऑल्सो ऑर्डर। ऐसा कहीं कानून नहीं है कि सारी चीज राइटिंग में होनी चाहिए, जैसे कि फायरिंग का ऑर्डर देता है पुलिस कमिश्नर या मैजिस्ट्रेट है, जब फायरिंग का ऑर्डर देता है तो कांस्टेबल या PI ये नहीं बोलता कि ऑर्डर रिटर्न में दो। बहुत सारे जुडिशरी ने भी बहुत सारे ऑर्डर रिटर्न में दिए, लेकिन इस बात का उसने एडवांटेज ले लिया जगमोहन सिन्हा ने कि भाई राइटिंग में एक्सेप्ट नहीं हुआ था तो चलो गलती यशपाल कपूर की, तो गलती यशपाल कपूर ने बोला बोलो क्या सजा करनी है, क्या सजा करोगे ऐसी टेक्निकल गलती की, एक तनख्वाह काटोगे दो तनख्वाह काटोगे। पर उसने सीधा बोला कि गलती इंदिरा गांधी की है और इंदिरा गांधी को मैं 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करता हूं, इलेक्शन उसका वो जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी MP का इलेक्शन था वो भी मैं कैंसिल करता हूँ, यानी कि वो PM का उसका जो सीट है वो भी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया और वो उसको अब PMship से रिजाइन करना पड़ेगा और वो 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकती। यानी
कि उसको किसी भी तरह से इंदिरा गांधी को पीएम की कुर्सी से निकालना था। और सीआईए तो पिछले 3 साल से 4 साल से लगी हुई थी, वो आपको गूगल करोगे, ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, पर इंदिरा गांधी किसिंजर निक्सन बिच, वो हमेशा इसको बिच कह के बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने उसने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। उसके बाद जब पोखरान वन किया, तब इंदिरा गांधी को पता था कि उसकी हत्या हो सकती है। पोखरान वन, पोखरान टू की तो बाद में नहीं, उसका मैं एग्जांपल दूं आपको कि जब होमी जहांगीर भाभा ने पोखरा बोला कि भाई भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। वो तो आपको पता है जवाहरलाल गाजी कितने कमीने आदमी थे, उन्होंने बोला कि नहीं बनाना है। लेकिन बाद में जब भारत चीन के युद्ध में भारत की हार हुई, तो बाकी कांग्रेसी नेताओं का दबाव बढ़ने लगा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। तो इससे जवाहरलाल गाजी तो फिर भी न्यूक्लियर वेपन बनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेताओं का जब दबाव बढ़ने लगा, तो होमी जहांगीर भाभा को फैसिलिटी देनी पड़ी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सीआईए ने उनकी हत्या करा दी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने भी न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, लेकिन उनका सारा समय भारत पाकिस्तान युद्ध में चला गया और उन्हें ज्यादा समय ही नहीं मिला। तो तुरंत बाद इंदिरा गांधी जैसे ही पावर में आई, उन्होंने राजा रमन्ना को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एजेंसी का चीफ बनाया और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बड़े पैमाने पर शुरू किया और पोखरान वन हुआ। जैसे ही पोखरान वन हुआ, अमेरिका ने बड़े पैमाने पर कोशिशें शुरू कर दी देवी इंदिरा अम्मा को गिराने की। उसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार आई, क्योंकि अमेरिका ने मोरारजी देसाई को पीएम बनाया था, इसलिए टू रेसिप्रोकेट कि भाई आपने मुझे पीएम बनाने में मदद की है, मैं रॉ को तबाह कर दूंगा। उसने पूरी कोशिश की कि डिपार्टमेंट ऑफ वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम क्या, वो पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एटॉमिक एनर्जी खत्म करने पे तुले थे मोरारजी देसाई, पर वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी लोग पेट्रियोटिक होते हैं, अकेला पीएम है उसको रोकने की वो ऑर्डर गलत ऑर्डर पास करे तो एडमिनिस्ट्रेशन लग जाता है पूरी तैयारी में कि किस तरह से उसका ऑर्डर है वो कैंसिल कराया जाए। तो मोरारजी देसाई, मैंने पिछली इसलिए मोरारजी देसाई ने पूरा एटॉमिक एस्टेब्लिशमेंट खत्म करने की कोशिश की, रॉ खत्म करने की कोशिश की, काफी हद तक रॉ को खत्म करने में कामयाब भी हो गए कि पाकिस्तान में जितने भी रॉ के एजेंट देवी इंदिरा अम्मा ने 8 साल की मेहनत से बिठाए थे, वो सारे एजेंट को उसने वापस बुलवा लिया। अब पिछले वीडियो में मेरी एक गलती हो गई थी, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। मैंने कहा कि मोरारजी देसाई ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट कराया था, ऐसा नहीं था। मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर थे, गलती जवाहरलाल गाजी की थी कि उसने गोल्ड कंट्रोल एक्ट किया, और तो गोल्ड कंट्रोल एक्ट में मोरारजी देसाई का रोल नेग्लिजिबल था, कम था, पर यह है कि उसने रॉ को खत्म कर दिया था, उसने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया था। 1980 में जब दोबारा देवी अम्मा प्राइम मिनिस्टर बनी, तो दूसरे दिन से उन्होंने सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू कर दिए, पोखरान टू भी शुरू कर दिया, और तब उनको ये भय आ गया था कि सीआईए उनकी हत्या कराने वाली है। मैं उसके आंशिक सबूत के तौर पे आपको बोलता हूं कि देवी इंदिरा अम्मा की हत्या हुई 31 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को, एक दो दिन पहले देवी इंदिरा अम्मा ने ओडिशा में एक स्पीच दी थी, और उस स्पीच में कहीं राइटिंग में उनकी जो रिटर्न स्पीच थी उसमें भी ये पैराग्राफ नहीं था, उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था, और उनके मुंह से ये वाक्य निकल पड़ा कि यदि मेरी हत्या होती है तो मेरा खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। और लोग हर कोई आश्चर्य में हो गया कि ये वाक्य कैसे आ गया, ऐसा कौन है, मतलब इस तरह की कौन सा भय है। लेकिन उनकी हत्या के प्रयत्न हो रहे थे, उनको इस बात का आभास भी आ गया होगा, और इससे वो चिंतित हो गई होगी, थोड़ा भय भी लगा होगा, और इस टेंशन के एटमॉस्फेयर में उनके मुंह से ये शब्द निकल पड़े होंगे कि भाई मेरी हत्या हुई तो मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा। और उसके दो दिन बाद इनकी हत्या हुई, और हत्या के पीछे भी पूरा बड़े पैमाने पर षड्यंत्र था। ये कैसे कहा जा सकता है कि जो उनके दो गार्ड थे सतवंत सिंह और बीएन सिंह, वो बार बार ये बोलते थे कि इनको मार देना चाहिए, इनकी हत्या होनी चाहिए, क्योंकि देवी इंदिरा अम्मा ने जो गोल्डन टेम्पल पे कार्यवाही की थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो उसके जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे उन्होंने देवी इंदिरा अम्मा को कहा कि आपको सिख बॉडीगार्ड निकाल देना चाहिए, तो देवी इंदिरा ने मना किया कि इस तरह से मैं सिखों को
दूर नहीं करना चाहती। तो फिर उन्होंने सतवंत सिंह और बीएन सिंह को उनके बंगले के पीछे के दरवाजे पे रखा, जो दरवाजा कोई यूज नहीं होता था। तो दो बार उनकी वहां पे ट्रांसफर हुई और दोनों बार किसी आदमी ने उनको फ्रंट गेट पे लाके खड़ा कर दिया। और यही हुआ कि उनकी बैक पिछले दरवाजे पे ट्रांसफर हुई थी, लेकिन किसी सिक्योरिटी मैनेजर या किसी आदमी ने फ्रंट दरवाजे पे उनकी ट्रांसफर कर दी और फिर उनकी हत्या हो गई। और उसमें ऐसा कहा जाता है कि CIA ने सुरपंखा गांधी के द्वारा ये सिक्योरिटी मैनेजर को अप्रोच किया था और उसको पैसे वैसे दिए होंगे या जो भी प्रलोभन दिया होगा, और उसके द्वारा उसने उसको बताया कि भाई ये दो सिक्योरिटी गार्ड है वो इंदिरा गांधी के बहुत खिलाफ है, उनको मौका दो तो ये बिना पैसा लिए या बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। यानी CIA ने ऐसे दो तीन आदमियों को आइडेंटिफाई किया जो कि इंदिरा गांधी के बहुत खिलाफ थे और वो उन लोगों को फ्रंट गेट पे पोस्टिंग करा दी। तो और 1980 में जब इंदिरा गांधी ने भारत की सेना को मजबूत करने के प्रयत्न शुरू कर दिए और पोखरण 2 का प्रयत्न शुरू कर दिया, तो तुरंत ही CIA ने खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किस तरह से, उसमें देवी इंदिरा अम्मा की गलती थी, उसमें मैं कोई मना नहीं करूंगा, कि उसने बड़े पैमाने पर CIA ने अकालियों को, अकाली दल, उस समय का अकाली दल, यानी आज के अकाली दल से कोई लेना देना नहीं है, 30 साल बीत गए, सारे के सारे आदमी बदल गए। यानी मैं जो अकाली दल के बारे में कह रहा हूं, आज वो अकाली नेताओं पे जरा भी अप्लाई नहीं होता। उनको बड़े पैमाने पे पैसा दिया, मदद दिया, कनाडा से पैसा आता था, मतलब CIA उस समय कनाडा के थ्रू पैसा भिजवाती थी क्योंकि कनाडा में बड़े पैमाने पे काफी बड़ी संख्या में सिख थे, कि तुम अलग देश की डिमांड करो और कांग्रेस के नेताओं को मारो। तो इसका तरीका है ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, लेकिन ये इंदिरा गांधी की बहुत बड़ा फ्लॉ था कि शी वॉज प्रो डिक्टेटरशिप, शी वॉज एंटी डेमोक्रेसी, वो शी वॉज नेशनलिस्ट, शी वॉज अ कमिटेड पेट्रियॉट, वो देशभक्त थी, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी, लेकिन वो डिक्टेटरशिप में मानती थी, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानती थी। इसलिए यदि इस तरह से मर्डर हो रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के, अन्य लोगों के, तो ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल एक महीने में ये प्रॉब्लम क्लियर कर देगा। लेकिन इसके बजाय उन्होंने क्या गलत तरीका अपनाया, उन्होंने भिंद्रन वाले को प्रोत्साहन देना शुरू किया और उन्होंने भिंद्रन वाले को बोला कि तुम इन अकालियों को मारो, मैं तुम्हें पंजाब के बड़े नेता बना दूंगी। तो CIA ने भिंद्रन वाले को अप्रोच किया, उसने बोला कि तुम क्यों पंजाब के बड़े नेता बनने को सोच रहे हो, हम तुम्हें खालिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। तो वो खालिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देखने लगा और CIA ने उसको पैसा दिया, हथियार दिया, बड़े पैमाने पे पाकिस्तान से हथियार आने लगे और इस तरह से वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और फिर उस प्रॉब्लम की वजह से देवी इंदिरा अम्मा को ब्लू स्टार करना पड़ा, जो उससे भी बड़ी गलती थी। यदि राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम ला दिया होता तो ज्यूरी ने भिंद्रन वाले को कंट्रोल कर दिया होता या तो जेल में भेज दिया होता, क्योंकि कोई जिस तरह की वो वायलेंस कर रहा था, आम नागरिक उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। पर वो भी ना करके उसने सेना को मैदान में उतारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे सैकड़ों, शायद हजारों सिखों की वहाँ पे मृत्यु हुई, सेना की जो गोलीबारी की ऑपरेशन हुआ, सैनिकों की मृत्यु हुई और उसकी वजह से पूरे देश में सिखों में जो माहौल है वो एंटी इंदिरा हो गया। तो कहने का मतलब है कि यदि कोई नेता सेना सुधारने के प्रयत्न करेगा तो उसके साथियों की खिलाफ बड़े पैमाने पे इंसर्जेंसी क्रिएट की जाएगी और उसकी हत्या भी हो सकती है, उसकी हत्या हो सकती है। उसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि ईरान में जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चल रहा है, आप गूगल कीजिए ईरान न्यूक्लियर साइंटिस्ट मर्डर या तो एसेसिनेशन, तो ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की अमेरिका ने अब तक हत्या करवा दी है। वो ईरान और अमेरिका का अपना प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आपको सिर्फ हिंट देना चाहता हूं, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सेना को मजबूत करने का काम वो कितना मुश्किल है, कि जैसे ही ये काम शुरू करोगे अमेरिका बड़े पैमाने में भारत में हत्याएं करवाना शुरू करेगा। और वाजपेयी को अपनी जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार था। देखो यहां पर देवी इंदिरा अम्मा और वाजपेयी के बीच में एक क्रिटिकल डिफरेंस आता है कि देवी इंदिरा अम्मा में ये सारी बुराइयां थी कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, वो डिक्टेटर, प्रो डिक्टेटर थी, लेकिन वो अपनी जान और देश की सेना का हित, तो वो देश की सेना के हित को उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, उन्होंने अपनी जान को कम महत्व दिया, वो मरने को तैयार थी।
जबकि वाजपेयी को अपनी जान से कुछ ज्यादा प्यार था। और इसलिए जब जब खतरा बढ़ने लगा तो उन्होंने पोखरण टू कराया। पोखरण टू तो सारी तैयारियां तो देवेंद्र रामा के टाइम ही हो गई थी, सिर्फ बटन दबाने की देर थी। वो बटन दबाने की राजीव गांधी की हिम्मत नहीं हुई। नरसिम्हा राव तो वैसे ही बिका हुआ आदमी था, वो क्या करेगा, वो तो ऊपर से इतना, वो तो कभी ये प्रोग्राम नहीं करवाएगा। उसके बाद देवगौड़ा और गुजराल, वो तो एकदम कमजोर और निकम्मे आदमी थे, वो तो वो उनसे तो उम्मीद भी मत करो। वाजपेयी ने पोखरण टू इस पे कराया क्योंकि आरएसएस के बहुत सारे कमिटेड नेता थे, गोविंदाचार्य जैसे, उनके बहुत दबाव आए और उसकी वजह से, वरना वाजपेयी पोखरण टू नहीं करना चाहते थे लेकिन उनको करना पड़ा। लेकिन जैसे ही पोखरण टू हुआ, अमेरिका ने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबाव बढ़ाने शुरू किए और उन्होंने पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद करनी शुरू की कि भाई तुम कारगिल में के द्वारा अमेरिका पे हमला, भारत पे हमला करो और भारत को सबक सिखाओ। और अमेरिका की पहुंच कितनी बड़ी है भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो आपको देखना चाहिए कि इसरो का जो सैटेलाइट सुपरविजन होता था कारगिल एरिया के ऊपर, वो बंद हो गया। किसने बंद करा दिया? मैं ये नहीं कहूंगा वाजपेयी ने बंद करा दिया, वाजपेयी को मैं देशद्रोही नहीं मानता। वो कमजोर आदमी थे और एक पॉइंट के बाद वो निकम्मे भी थे, पर वो देशद्रोही नहीं थे। वो सैटेलाइट सुपरविजन बंद कराने का काम किसका हो सकता है? वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर इसरो आता है, लेकिन बीच में एक और मिनिस्टर होता है जनरली, जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर होगा या मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल का होगा। मिनिस्टर के तीन लेवल होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके नीचे बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके नीचे होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इसरो के ऊपर आमतौर पर एक डेप्यूटी मिनिस्टर होता है और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकता है। तो उस मिनिस्टर ने हो सकता है सैटेलाइट सुपरविजन रुकवा दिया हो। वो कौन है मुझे पता करना पड़ेगा, या तो जो आईएएस अफसर है जो कि इसरो के ऊपर आता है। मिनिस्टर और इसरो के चेयरमैन के बीच में एक आईएएस अफसर होते हैं, दो तीन आईएएस अफसर होते हैं, वो भी यदि भ्रष्ट है तो वो इसरो के चेयरमैन पर दबाव डाल सकते हैं, और या तो इसरो के चेयरमैन को बाईपास करके जो सैटेलाइट सुपरविजन के रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है किसी तरह से उस पर दबाव डाला होगा कि खर्चा बहुत बढ़ गया है, खर्चा कॉस्ट कटिंग करो, ये सैटेलाइट की क्या जरूरत है, ये तो यहां तो 20 साल से कोई आया नहीं है, 25 साल से कोई आया नहीं, बंद कर दो ये सैटेलाइट सुपरविजन। सैटेलाइट सुपरविजन बंद हो गया है इसलिए बड़े पैमाने पर सैनिक घुस गए और हेलीकॉप्टर आए, वरना सैटेलाइट सुपरविजन चल रहा होता तो ये कारगिल का हादसा हुआ ही नहीं होता। और कारगिल का जब युद्ध हुआ तब अमेरिका ने एंड में भारत को लेसर गाइडेड मिसाइल फ्रांस के द्वारा दिलवाए। वो नहीं दिलवाए होते तो भी युद्ध में हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता, शायद युद्ध हार भी जाते। और फिर पाकिस्तान को बोला कि तुम सेफ पैसेज एक्सेप्ट कर लो। ये मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से कारगिल का युद्ध, भारत हार गया, पाकिस्तान भी हार गया और अमेरिका जीत गया। अब वाजपेयी के आप पर्सनल डिटेल्स थोड़े इकट्ठे करो तो उन्हें वाजपेयी का भक्त भी ये कहेगा कि वो पियक्कड़ थे और दारू पीना, उसके बाद फिश फ्राई उनकी फेवरेट डिश थी और चिकन टिक्का मसाला, और उसके बाद सो जाना, और ये चार के सिवा और कविताएं लिखना, सॉरी ये पांच काम, दारू पीना, फिश करी खाना, चिकन टिक्का मसाला, कविताएं लिखना और सो जाना, ये पांच के सिवा ये किसी काम के लायक नहीं थे। इसलिए ये आदमी किसी भी एंगल से अपनी जान का जोखिम लेने को तैयार नहीं था, जो जोखिम सेना को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है। और इसके लिए पोखरण टू के बाद उन्होंने यूं एकदम झूठ स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के पास मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस है, इसलिए भारत को और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाने की जरूरत नहीं है। जो कि झूठ स्टेटमेंट क्यों है कि भारत ने सबसे बड़ा एटॉमिक एक्सप्लोजन किया है, वो है 75 किलोटन का। चाइना ने सबसे बड़ा एटॉमिक एक्सप्लोजन किया है, वो 4000 किलोटन का, यानी करीब करीब 30-40 गुना बड़ा, 50 गुना, 70 गुना, 60-70 गुना बड़ा। चाइना ने 45 एक्सप्लोजन किए हैं, भारत ने सिर्फ 5 एक्सप्लोजन किए हैं, पोखरण वन में दो और पोखरण टू में तीन। चाइना ने 22 जितने एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किए हैं, भारत ने सिर्फ अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन किए हैं, एक भी एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन अभी तक नहीं किया।
यानी वाजपेयी ने यह गलत स्टेटमेंट क्यों दिया कि हम हमारे पास मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस है, जबकि डॉक्ट्राइन ही गलत है। डॉक्ट्राइन होना चाहिए पैरिटी विद चाइना, पैरिटी विद चाइना की चीन के पास जितने अणु हथियार है उतने हमारे पास होंगे, चीन ने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं उतने हम करेंगे। वो क्यों उसने किया? क्योंकि वो वाजपेयी अपनी जान का खतरा नहीं मोलना चाहते थे। यदि वो पैरिटी ऑफ चाइना का डॉक्ट्राइन लेने की कोशिश करते तो उनकी हत्या के चांसेस बढ़ जाते और उनको अपनी जान को हद से ज्यादा प्यारी थी। तो अब हम ये मान के चले कि भाई एक आदमी आ जाएगा और प्रधानमंत्री सुधार देगा। इसमें कठिनाइयां क्या आती है कि जैसे ही वाजपेयी ने पोखरण टू किया, जो कि पोखरण टू एक तरह से देखो तो खिलौना ही था, चाइना ने तो 4000 किलो टन का टेस्ट किया, हमने तो 75 किलो टन का टेस्ट किया, और तुरंत उसके बाद कारगिल का अटैक आ गया। उसके बीच अमेरिका ने जयललिता पे प्रेशर डाला कि आप वाजपेयी गवर्नमेंट का ये प्रेशर विड्रॉ कर लो, और वाजपेयी ने उसपे कैसे प्रेशर आया जयललिता पे कि हाईकोर्ट में उसके खिलाफ जो केस थे, हर एक सीएम के खिलाफ होते हैं करप्शन के, कौन सी नहीं बात है, हाईकोर्ट के जज के उसके हाईकोर्ट में जो उसके खिलाफ केस थे वो एकाएक सारे केस थर्ड गियर में आ गए। आप नॉर्मली किसी सीएम के खिलाफ करप्शन का केस फाइल कर दो तो बरसों तक कुछ नहीं होता। जैसे लालू के खिलाफ चारा घोटाले का केस है, पता नहीं कब फाइल हुआ था, डेट लालू भी भूल गया होगा कि कब उसके खिलाफ ये केस फाइल हो, कुछ 1990s में फाइल हुआ था, 10-15 साल बीत गए। लेकिन ये केस इतने स्पीड में आ गए कि जयललिता को एक दो दिन जेल में रुकना पड़ा। और वो केस किसने फाइल कराए थे? वो केस फाइल कराए थे सुब्रमण्यम स्वामी ने। यानी अमेरिका ने सुब्रमण्यम स्वामी को प्रॉम्प्ट किया कि भाई वाजपेयी की सरकार को गिराना है, सोनिया गांधी को पीएम बनाया है, आप धंधे पे लग जाओ। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये जयललिता के खिलाफ केस फाइल कराए, और जैसे जयललिता ने वाजपेयी की सरकार का सपोर्ट वापस खींचा, सुब्रमण्यम स्वामी ने दूसरे दिन से वो केस में अपीयरेंस देना बंद कर दिया। आज वो केस को कितने 12-15 साल हो गए, 13-14 साल हो गए, सुब्रमण्यम स्वामी उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मतलब उनका मकसद था कि सोनिया गांधी को पीएम बनाना, वाजपेयी की सरकार को गिराना। तो ये सब जब हाथ से शुरू हुए एक के बाद एक, कारगिल का, वाजपेयी की सरकार का गिरना, कारगिल का अटैक हुआ, उसके बाद आरएसएस के नेताओं ने हिम्मत छोड़ दी और उसके बाद उन्होंने वाजपेयी पे पोखरण तीन का दबाव नहीं डाला। और इसका आप सबूत देख सकते हैं कि बाकी के 6 साल में जो हमें 1000 किलो टन यानी 1 मेगा टन का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए था, एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोरेशन करना चाहिए था, वो एक भी हमने नहीं किया। हमारा जो ICBM मिसाइल है वो चीन तक जा सकता है, हमारा ICBM मिसाइल अमेरिका तक नहीं जा सकता। वो असल में देखा जाए तो ICBM है नहीं, ICBM का असली मकसद होता है कि पूरी पृथ्वी का एक चक्कर काट ले। इसका मतलब भी वो कहीं से भी कहीं पे भी गिर सकता है। हमारा ICBM ठीक है चाइना को कवर कर सकता है लेकिन अमेरिका को कवर नहीं कर पाएगा। तो ये आज हम कहे कि एक, अब मैं वर्तमान पे आता हूं, ये सारे अब पास्ट की बात हुई कि यदि कोई प्रधानमंत्री आप इसमें मैं आपको गूगल के लिए रेफरेंस दे दूंगा, होमी जहांगीर भाभा के आप गूगल करना तो उसका जो विकिपीडिया पेज है वही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसके बाद नेहरू एटॉमिक वेपन, उस पर आप गूगल करोगे तो आ जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री एटॉमिक वेपन, और विक्रम साराभाई एटॉमिक वेपन, ये 3-4 चीज़ों पर आप गूगल करोगे और इन्फॉर्मेशन आएगी। अब मैं आता हूँ वर्तमान पे। वर्तमान परिस्थिति में हम ये मानते हैं कि एक अच्छा पीएम आएगा तो सारी सेना इंप्रूवमेंट हो जाएगी, अमेरिका के लेवल की हो जाएगी, चाइना के लेवल की हो जाएगी। तो वो आदमी पीएम बनता है और ये कोशिश करता है तो अमेरिका के पास उस समय हथियारों का जेन्युइन ग्रोथ, देखो जेन्युइन ग्रोथ और इंपोर्ट में फर्क है, मैं हथियार के जेन्युइन ग्रोथ की बात कर रहा हूं, इंपोर्ट की बात नहीं कर रहा। इंपोर्ट तो आप अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से हथियार इंपोर्ट करोगे तो जिस दिन अमेरिका से, फ्रांस से या ब्रिटेन से युद्ध शुरू होगा उस दिन वो हथियार एक भी काम नहीं आएंगे। तो वो
हथियार कब काम आएंगे, जब हम भारत में बड़े पैमाने पे 100% मेड इन हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ये सारे हथियारों का उत्पादन करने के लिए भारत में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों को खुली छूट देनी पड़ेगी, इंजीनियरों को खुली छूट देनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज लगाने पड़ेंगे पूरे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए, अदर वेपन प्रोग्राम्स के लिए। तो ये जो बड़े पैमाने पे काम होगा, तो उस समय अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो नक्सलियों को हथियार दे सकता है, भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको हथियार दे सकता है इंसर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, कश्मीर के अंदर जो जिहादी है उनको हथियार दे सकता है बड़े पैमाने पे इंसर्जेंसी करने के लिए। खालिस्तान का मुद्दा ठंडा पड़ गया लेकिन 100% ऑफ नहीं हुआ, उस मुद्दे को भी उकसा सकते हैं। तो ये सब रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे कोने कोने में पुलिस बहुत एफिशिएंट हो, अदालत बहुत एफिशिएंट हो, और यहां पर जरूरत आती है राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर की, राइट टू रिकॉल जज की और ज्यूरी सिस्टम की, कि जो जब नक्सलवाद नक्सलियों को बड़े पैमाने पे मान लो हथियार मिलते हैं तो वो बड़े पैमाने पे हत्याएं शुरू कर देंगे, तो उसको रोकने के क्या तरीके हैं? हमारे पास पुलिस को ज्यादा हथियार देने पड़ेंगे, पुलिस की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन फिर पुलिस में भी कुछ प्रॉब्लम है करप्शन के, एट्रोसिटी के, तो वो तभी रुकेंगे जब राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर होगा और राइट टू और ज्यूरी सिस्टम ओवर पुलिसमैन, राइट टू रिकॉल जज और राइट टू रिकॉल और ज्यूरी सिस्टम। तो ये चार चीजें होगी तो भारत में फिर कोई भी इंसर्जेंसी सफल नहीं हो पाएगी। राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल जज, ज्यूरी सिस्टम और ज्यूरी सिस्टम ओवर पुलिसमैन, ये चार राज है, यानी हिंदुस्तान के अंदर फिर कोई भी इंसर्जेंसी सफल नहीं हो पाएगी। तो और साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने बड़े पैमाने पे यदि सेना को मजबूत करने की शुरुआत की तो दूसरे स्टेप में अमरीका बांग्लादेशी घुसपैठियों को बड़े पैमाने पे हथियार देना शुरू करेगा, जैसे अमरीका ने 1980 में किया था। 1980 में जब देवी इंदिरा अम्मा ने भारत की सेना को मजबूत करने का प्रयत्न किया तो दूसरे ही मिनट में CIA ने खालिस्तान को बड़े पैमाने पे, खालिस्तानी जो डिमांड करने वाले थे भिंदरान वाले वगैरह, उनको बड़े पैमाने पे मदद करनी शुरू की और इससे वो इंदिरा गांधी एक तरह से गिर गई। तो ये राइट टू रिकॉल जज, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, ज्यूरी सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मैं प्रयत्न आपको बता रहा हूं कि आप मानो कि एक प्रधानमंत्री ये सारे काम कर पाएगा वो नामुमकिन है। इतना ज्यादा रिस्क आप एक आदमी के ऊपर डालोगे तो वो आदमी या तो उसकी हत्या हो सकती है, या तो वो टूट सकता है, या तो वो बिक भी सकता है, या तो वो ना बिके तो उसके नीचे के आदमी हो सकता है एक के बाद एक बिकना शुरू की दिए, जैसे देवी इंदिरा अम्मा के साथ हुआ। देवी इंदिरा अम्मा के नीचे के बहुत सारे आदमी बिक गए थे, जैसे चंद्रशेखर ने 1974 में इंदिरा गांधी का विरोध करना शुरू कर दिया, उस समय वो कांग्रेस में थे, और इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी के मैनेजर बिक गए, तभी तो बीएन सिंह और सतवन सिंह की बार बार फ्रंट गेट पर ट्रांसफर हो गई थी। तो इस तरह से जब आप अमेरिका जैसे देश के सामने हेड ऑन कॉलिजन लेने की शुरुआत की कोशिश करते हो तो एक आदमी के बस की बात नहीं है। और इसलिए मेरी कोशिश यह है कि सेना के बारे में इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरी सिस्टम इन बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरी सिस्टम इन बिल्डिंग मिलिट्री, ये सारे चीज़ों पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को इंफॉर्मेशन दी जाए। जब हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं में लाखों की संख्या में नागरिक, लाखों नहीं करोड़ों नागरिकों को ये इंफॉर्मेशन दी जाए तो PM के लिए बिकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। यदि PM थोड़ा भी अपनी कहीं डिपार्टमेंट में कमजोरी दिखाता है तो तुरंत एक्सपोज हो जाएगा, और राइट टू रिकॉल PM का कानून हो तो PM थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने में घबराएगा कि इस मुद्दे पे मैंने एक पॉइंट भी कॉम्प्रोमाइज किया तो लोगों के सामने मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो राइट टू रिकॉल PM क्यों जरूरी है मजबूत सेना बनाने के लिए, ताकि PM के ऊपर लटकती तलवार रहे कि 1% का भी यदि उसने कॉम्प्रोमाइज किया तो लोग उसको निकालने के लिए 100 लोग तैयार है PM बनने के लिए, 100 लोग काबिल है PM बनने के लिए, उनमें से किसी को PM बना सकते हैं। यानी हमारे पास कम से कम 100-200 लोगों की
फौज होने चाहिए जो कि हर एक आदमी पीएम बनने के काबिल है। जैसे अमेरिका में, अमेरिका में ऐसा नहीं है कि ओबामा अकेला है, अमेरिका के पास ऐसे 500 आदमी है जो प्रेसिडेंट बनने के काबिल है, और प्रेसिडेंट बन के वो लोग ओबामा या तो जॉर्ज बुश सेकंड जैसा काम कर सकते हैं, एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। पूरी रैंक एंड फाइल के हायरार्की में एक एक आदमी है वो प्रधानमंत्री जितना काबिल है, और एक प्रधानमंत्री मरता है तो उनके पास पूरा कि वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद नंबर आता है स्पीकर ऑफ द असेंबली का, या तो इमरजेंसी में सेनेट किसी और आदमी को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना सकती है। तो इस तरह से उनके पास पूरी चेन ऑफ कमांड है कि जिसमें वो एक आदमी पे निर्भर नहीं है। वो चेन ऑफ कमांड इंदिरा गांधी कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, और वो उनकी वो डिक्टेटरशिप माइंड का आदमी जो होता है वो चेन ऑफ कमांड नहीं एस्टैब्लिश कर पाता कभी भी। तो वो चेन ऑफ कमांड यानी देवी इंदिरामा की हत्या होती है तो दूसरा आदमी आता है वो देवी इंदिरामा के एजेंडा पे ही काम करेगा। वैसी एक रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वो रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा करना वो हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमने एक आदमी को बिठा दिया और हम ये उम्मीद करके चले कि वो आदमी है वो भारत की सेना को चीन जितना या अमेरिका जितना या रूस जितना शक्तिशाली बना देगा। तो मैं अपने वीडियो को समराइज करूंगा। मैंने देवी इंदिरामा का कंपैरिजन में बात इसलिए कर रहा हूं वो एक्सप्लेन करने के लिए कि सिर्फ ईमानदार आदमी होना सफिशिएंट नहीं है। देवी इंदिरामा ईमानदार थी, देशभक्त थी, और उनके देशभक्ति का सबूत आपको चाहिए उतने मिलेंगे, पोखरण 1, पोखरण 2, पाकिस्तान के दो टुकड़े करना। अच्छा, एक और मुद्दा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे में अक्सर देवी इंदिरामा को कोसा जाता है, वो गलत है। गलत किस सेंस में है कि देवी इंदिरामा की हत्या हुई 1984 में, 1971 या 1951, 1951 से लेके 84 में जितने बांग्लादेशी आए वो हिंदू थे। आप सेंसस के आंकड़े देख लो, सेंसस का 1981 में कितने परसेंट मुस्लिम थे बांग्लादेश में, 25.6 यानी 25% मान लो, 25.9। और 1991 के सेंसस में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी, 28%, यानी सिर्फ 3% बढ़ी। और 1991 से लेके आज तक अब जो सेंसस हुआ 2000 उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है, 33%, यानी 25% से 33% हुई है वो 1991 के बाद हुई है। ये बांग्लादेशियों के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन करने को शुरू कोशिश की थी कि 1985 तक मेजोरिटी बांग्लादेशी इमिग्रेशन जो हुआ है वो हिंदुओं का हुआ है, वो रेफ्यूजी है, वो घुसपैठिए नहीं है। तो देवी इंदिरा अम्मा ने बांग्लादेशी रेफ्यूजी को भारत आने के लिए प्रोत्साहन दिया था, तो वो तो अच्छा काम था, वो तो हर एक आदमी को करना चाहिए। वो तो मेरे मैनिफेस्टो में भी है, चैप्टर 32 में मैंने लिखा है मेरे मैनिफेस्टो के कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू है उनको भारत के अंदर वर्क परमिट दी जाए और बाद में वेरिफिकेशन और वो सब हो जाए, उसके बाद सिटीजनशिप एक्सेट्रा। और वो काम देवी इंदिरामा ने किया तो कोई गलत काम नहीं था। लेकिन 1991 के बाद बड़े पैमाने पे घुसपैठिए आने शुरू हुए, जिसको रोकने का कोई प्रयत्न वाजपेयी ने नहीं किया, क्योंकि मैं कहूँ कि उनको अपनी जान हद से ज़्यादा प्यारी थी। जो आदमी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की कोशिश करेगा, यदि एक आदमी कोशिश करता है तो 99% नहीं 150% में बोलता हूँ उसकी हत्या हो जाएगी। और इसीलिए यह काम मैं राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल जज के द्वारा कर जाता हूँ, ताकि ये पूरा जो जिम्मेदारी है, पूरा लोड है, वो 1000 अफसर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उन अफसर के ऊपर राइट टू रिकॉल है, यानी वो कोई अफसर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। और एक दो की हत्या हो गई तो चलो हो जाए, नहीं होनी चाहिए, पर एक दो की हत्या हो जाती है तो काम रुका नहीं रहेगा। तो 1991 के बांग्लादेशी आए, और यहां पे भी मैं वाजपेयी और देवी इंदिरामा के बीच में कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि देवी इंदिरामा ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए, जबकि वाजपेयी बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना तो दूर, रोकने को भी तैयार नहीं था। आप गूगल कीजिए, दो चीजों पर गूगल कीजिए, अडवाणी, बांग्लादेशी वर्क परमिट। अडवाणी ने 2000 में बोला था कि बांग्लादेशियों को वर्क परमिट देनी चाहिए, यानी निकालने की बात तो दूर रही, वो उन्हें वर्क परमिट देने की बात कर रहा था। और क्यों बात कर रहे थे वो दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि सऊदी अरेबिया का पैसा कितनी हद तक बीजेपी में घुस गया है। तो यहां मैं समाप्त करूंगा।
देवी, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि आप ये मान के मत चलो कि एक अच्छा आदमी आएगा तो सेना सुधर जाएगी। सेना सुधारने के लिए राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, राइट टू रिकॉल जज, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट टू रिकॉल पीएम के कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।